बिलासपुर में धान खरीदी के बाद बड़का घोटाला अगुआ है। जयलले के समिति में हुए घोटाला में एक एफआईआर दर्ज करे गए है और 1.5 करोड़ रुपए के अफरा तफरी के मामला के ऊपर मामला बनाए गए है। लेकिन ऐसे करीब 2 दर्जन समिति है जेखर जांच अभी भी चलत है। एमएलए 12 समिति राहत बर हाईकोर्ट में पहुंचे रही से फिलहाल पूरा मामला कलेक्टर के निर्देश के बाद जाँच में है। मूल उद्देश्य है रिकवरी होगा, चाहे समिति के उससे हो या संपत्ति कुर्क करके हो, इसके लिए शासन प्रशासन कार्रवाई करते हुए रिकवरी करेंगे। हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 26 सोसाइटियों में शॉर्टेज की शिकायत आई थी, जिसपे कलेक्टर साहब के निर्देश पे हमने एफआईआर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला है धान जहाँ शॉर्टेज था उसके खिलाफ एफआईआर किया है, वो अभी अंदर है, पूरा स्टाफ उसके अंदर हो गया है। तो उसके प्रेशर में अभी हम देख रहे हैं, आज ही डीआर मैडम से चर्चा हुई तो करीब 6-7 समिति वालों ने अपना जीरो शॉर्टेज अपनी व्यवस्था से कर दिया है, तो ये प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है इस पर एफआईआर होने का। और उनके खिलाफ जो 1 करोड़ समथिंग जो 66 लाख का कुछ था गमन का।